जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ा दिया है। टीएस सिंहदेव की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान हुआ है। सरपंच को हर महीने 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए का मानदेय प्रति माह मिलने जा रहा है। लाखों रुपए भी बतौर निधि के तौर पर विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए मिलने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी मानदेय और विकास निधि का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। सीएम से उनके मंत्री टीएस सिंहदेव ने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रखी थी। जिला पंचायत अध्यक्ष को हर साल 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10, तो वही सदस्य को 4 लाख रुपए बतौर निधि के तौर पर खर्च करने के लिए मिले जा रहे हैं। इसी तरह जनपद के अध्यक्ष को 5 लाख, उपाध्यक्ष को 3 और सदस्य को 2 लाख रुपए मिलेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 की जगह 25 और उपाध्यक्ष को 10 की जगह 15,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। जिला पंचायत सदस्य 6 की जगह अब 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। तो वही जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष दोनों ही संस्थाओं के अफसरों और कर्मचारियों की रिपोर्ट में अपना अभिमत यानी कि जानकारी या फिर रिव्यू कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को दे सकते हैं। इनसे मिले इनपुट के आधार पर अफसर के कामकाज की रिपोर्ट बनेगी। जिला पंचायत और जनपद अध्यक्षों को नई गाड़ी देने का भी ऐलान किया गया है, यानी कि कार देने का ऐलान हुआ है। सरपंचों को बैठकों के लिए अब 2 की जगह 500 रुपए प्रति बैठकें मिलने प्रस्तावित बताई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। दरअसल खबर ये है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 17 लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिसके फलस्वरूप वनवासियों को प्रतिवर्ष लगभग 502 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। इसका लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक गरीब एवं आदिवासी लघु वनोपज संग्राहकों को मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 52 कर दिया है। 17 मुख्य प्रजातियों के लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 2018 तक प्रदेश में जहां केवल 7 लघु वनोपजों का ही समर्थन मूल्य पर खरीदी होता था, तो वही राज्य सरकार के इस निर्णय के वजह से वनांचल के वनवासियों में खुशियों की लहर बिखर गई है। दरअसल बता दें कि सरकार मुख्यतः रूप से तेंदुपत्ता से लेकर के महुआ फूल, महुआ बीज, गुठली हो गया, चिरौंजी हो गया, साथ ही साथ इमली बीज हो गया, तो इस प्रकार के लाख हो गए, तो इसका संग्रह जो है मुख्य रूप से किया जा रहा है, जिस पर समर्थन मूल्य भी लगभग कई 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ सरकार ने विद्युत कर्मचारियों को सौगात दी है उसके बारे में। 3% डीए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से 16,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के कर्मचारियों को प्रकाश पर्व पर यानी कि दीपावली के त्यौहार पर बड़ी सौगात दे रखी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 16,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि के साथ साथ उच्च कार्य दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए 9,000 रुपए बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने इस फैसले की वजह से प्रदेश सरकार पर 15.8 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आभार जताया है। और अब खबर, हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सामने आ रहा है। चरणबद्ध आंदोलन की भी चेतावनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने दे रखी है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में संभाग भर से आई हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांग को लेकर के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांगे पूरे नहीं होने पर आने वाले समय में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में संभाग भर से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर हमला बोला। साथ ही शहर में रैली निकालकर 8 सूत्रीय मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है।
कलेक्टर और निगम अफसरों की बैठकों में एक फैसला हुआ है। नए टर्मिनल के यात्री सिटी बस बंद होने की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से प्रशासन 45 बसें चलवाने जा रही है। हफ्ते भर में जो बसें हैं चलने वाली है। बलौदा बाजार बिलासपुर भिलाई गरियाबंद से आने वाली बसों के रास्ते में चलाएंगे। इसके अलावा खबर ये है कि भाटागांव बस टर्मिनल तक पहुंचने और वहां से शहर आने में लोगों को सबसे बड़ी दिक्कतें जो है परेशानियों की वजह से हो रही है, जो कि है सबसे बड़ा खर्च। जी हाँ, खर्च बढ़ने की वजह से अब लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वजह यह है कि सिटी बसें बंद पड़ी हैं। ऐसे में यात्रियों को स्टैंड से शहर आने या फिर वहां तक जाने के लिए ऑटो या फिर ई रिक्शा को काफ़ी ज़्यादा किराया देना पड़ता है। और ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए निगम ने 5 सिटी बसें प्रस्तावित भी हुई हैं, जो कि चल भी रही हैं, लेकिन इन्हें नाकाफी बताया जा रहा है। इसीलिए कलेक्टर ने निगम कमिश्नर समेत जिम्मेदार अफसरों के साथ बैठक की और तय हुआ है कि कम से कम 45 सिटी बसें को एक हफ्ते के भीतर चालू कर दिया जाएगा। सिटी बसों के परमिट फिटनेस को लेकर भी परिवहन अफसरों से भी बातचीत शुरू हो गई है। निकाय चुनाव की आहट तेज हो गई है, जिसकी वजह से जिले के जिन 4 निकाय भिलाई रिसाली चरौदा और जामुल वार्ड में चुनाव है, वहां 186 करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने 141 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और 45 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। तो वही बीजेपी भी यहां पर सक्रिय हो गई है। दुर्ग और भिलाई जिला संगठन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिले के भिलाई रिसाली और भिलाई चरौदा निगम और जामुल पालिका में वार्ड चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। पीएचई मंत्री रुद्रगुरु ने भिलाई 3 में आयोजित कार्यक्रम में इसे लेकर इशारा भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 दिन बाद आचार संहिता लग सकती है, इससे पहले शासन की कैबिनेट बैठक होगी और इधर 8 दिन के भीतर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरी बार जिले के प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री ने जिन निकायों में वार्ड चुनाव होने हैं वहां के लिए 141 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 45 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया है। इस प्रकार 186 करोड़ के कामों की सौगात दे रखी है। सीएम ने सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन केनाल रोड का लोकार्पण भी किया है। खारून नदी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाई है डुबकी। 600 साल पुराने मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्नान के बाद बोले खारून में बनेगा रिवर फ्रंट। जी हां, बता दें रायपुर की खारून नदी के तट पर आयोजित पुन्नी मेले में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। यहां उन्होंने नदी में डुबकी लगाई। नदी में स्नान के दौरान मुख्यमंत्री पानी में कालाबाजी करते हुए उछलकर पलट गए। देखने वाले भी मुख्यमंत्री का ये अंदाज देखकर हैरान थे। बीते 3 सालों से इसी तरह के मुख्यमंत्री यहां पहुंचते रहे हैं। इसी प्रकार इसके बाद सभी ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री ने महादेव का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने का अपना महत्व है। हम यहां दीप दान करते हैं, भगवान महादेव की आराधना करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का यह पहला मेला होता है। मैं जब यहां से आने जाने लगा तब ये मेला मेरी नजरों से आया और अच्छा है, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। 80,000 दियो से जगमगाया दलपत सागर, लोगों ने इसे सवारा, बोले 400 साल पुराने तालाब में बसती है उनकी आत्मा। गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड जो है दर्ज होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में स्थित लगभग 400 साल पुराना दलपत सागर गुरुवार की रात दियो की रोशनी से जगमगा उठा। कलेक्टर रजत बंसल, आईजी सुंदराज पी समेत एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने शहरवासियों के साथ मिलकर यहां एक साथ 80,000 से ज्यादा दिए जलाए हैं। तो वही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज कराया जाएगा। दलपत सागर के जीर्णोद्धार के बाद पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन किया गया है। तो वही जिसमें शहर के हर वर्ग के लोग शामिल होने पहुंचे हुए थे। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार दलपत सागर को 3 चरणों में बनाने का काम कर रहे हैं, जिनमें पहले चरण का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं। दलपत सागर के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम, सामाजिक संस्थान और शहरवासियों ने मिलकर टारगेट रखा था कि दलपत सागर में 51,000 दिए जलाएंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि यहां टारगेट से ज्यादा 80,000 से भी ज्यादा दिए जलाए गए। दलपत सागर का काम पूरा होने के बाद यहां गंगा मुंडा तालाब का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा।
कृषि कानून की वापसी को लेकर के सीएम ने इसको जीत बताया, जीत करा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को बधाई, ये अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। दरअसल केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला कर लिया है। शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं और अब इसे लेकर कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर इसे राहुल गांधी की जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, तो वही कई सियासी दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर के एक ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि गांधीवादी आंदोलन में एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। केंद्र सरकार को तीन काले कानून को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। यह किसानों की ही नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। ये सब बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। वैक्सीन की 100% डोज पर इनाम मिलने जा रहा है। दोनों डोज लगाने वाली टॉप 10 पंचायतें पुरस्कृत होने जा रही हैं। अभी 77.84% लोगों को ही पहली डोज लग पाई है। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कराने के लिए प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। कोरोना की दूसरी डोज का 100% टारगेट पूरा करने वाली जिले की टॉप 10 पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसका निर्णय कोरोना जागरूकता दल की बैठक में कलेक्टर दीपक सोनी ने किया है। इसके पहले भी यहां डोज का 100% टारगेट पूरा करने वाली पंचायतों को जिला प्रशासन ने पुरस्कृत किया था। अफसरों का मानना है कि ऐसा करने से प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और छूटे लोगों को भी वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। 7,000 सीटें खाली हैं, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। पीईटी नहीं देने वालों को भी 12वीं के आधार पर इंजीनियरिंग में प्रवेश मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल तीन चरण की काउंसलिंग के बाद भी 11,291 सीटों में से 7,000 सीटें खाली रह जाने की वजह से शासन ने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए पीईटी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। प्रदेश में साइंस विषय के साथ जो भी छात्र 12वीं में होगा उन्हें इसी नंबरों के आधार पर, इसी बेस के आधार पर इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन दे दिया जाएगा। बदले हुए नियम के साथ 22 नवंबर से काउंसलिंग फिर से शुरू हो रही है। इस काउंसलिंग में 12वीं पास छात्र जो है मेरिट के आधार पर इंजीनियरिंग की सीटों के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे ही फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए भी होगा। पिछले साल कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए थे, उस वजह से इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12वीं पास छात्रों को प्रवेश दे दिया गया था। इस साल कोरोना की स्थिति नहीं है, फिर भी इंजीनियरिंग की सीटें बड़ी संख्या में खाली रह गई हैं और इसलिए तकनीकी शिक्षण संचालनालय ने प्रवेश का नियम ही बदल दिया है। जबकि इस साल प्रदेश में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुए थे, जिसमें तकरीबन 10,500 परीक्षार्थी शामिल हुए। हुड़को को 3,91,00,000 की सौगात मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने शहीद पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण किया। बैडमिंटन कोर्ट अंबेडकर भवन का भी निर्माण यहां पर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने दिन दुर्ग जिले पहुंचे हुए थे, जहां पर एक के बाद एक कई कार्यक्रम में ये जो है शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम और हनुमान की आराधना कर प्रदेश के लोगों को खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने भिलाई नगर निगम पालिका निगम क्षेत्र के हुड़को में कार्यक्रम में 3,91,00,000 रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने नगर के विकास कार्यों के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, इस बाबत उन्होंने जानकारी दी। विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, ये भी बातें कही। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर है धर्मांतरण पर भागवत की खरी खरी सामने आ रही है। किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, ये देश अलग अलग जातियों की विशेषता से सुंदर बना है। दरअसल बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंगेली जिले के मतकु द्वीप में आरएसएस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से अपनी बातें रखते हुए समाज, पर्यावरण और भारत की संस्कृति पर बात कही। इशारों इशारों में भागवत ने धर्म परिवर्तन कराने वालों को भी मुंगेली के मंच से
से चेतावनी दे दी है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के कई देश मानते हैं कि हम एक हैं और एक तभी होंगे जब वे मानते हैं कि विविध होंगे तो हम अलग हो जाएंगे, मगर एक सा होने की जरूरत नहीं है। हमारी कई भाषाएं हैं, प्रांत है, जाति है, उपजाति है, सभी की विशेषता है। यह सभी एक सुंदर देश बनाती है, एक देश को पूर्ण करती है। इस बाबत इन्होंने जो यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनको खरी खरी भी सुना दी है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तो वही घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।